प्रॉफिट को जाने दे देते हैं ना सर, तो वो कहीं ना कहीं हमें लॉस में दिखता है और फिर हम लॉस में बेचकर उसको निकल जाते हैं। आपका सर लॉस थोड़ा हो या ज्यादा, वो लॉस। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में जिसका नाम है डीप सर्च 6। और आज हम बात करेंगे सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की और अलग इंडस्ट्री की और अडानी पावर की बात हम करेंगे सर। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं सर कि आपको शेयर मार्केट देखने का थोड़ा सा तो नज़रिया आपको बदलना पड़ेगा। वो मैं हर बार कहता हूं कि सर लॉस को लेना नहीं और प्रॉफिट को जाने देना नहीं, कि जब हम सर अपने प्रॉफिट को जाने दे देते हैं ना सर, तो वो कहीं ना कहीं हमें लॉस में दिखता है और फिर हम लॉस में बेचकर उसको निकल जाते हैं। आपका सर लॉस थोड़ा हो या ज़्यादा, वो लॉस ही खिलाएगा। आपका प्रॉफिट थोड़ा हो या ज़्यादा हो, वो प्रॉफिट ही खिलाएगा। और थोड़ा प्रॉफिट हो या ज़्यादा प्रॉफिट हो, वो आपके चेहरे पे मुस्कान ला कर देगा सर। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं, वो थोड़ा सा 2-4-5 रुपये आपको ग्रीन दिखा देता है ना, तो आपको बड़ा तसल्ली हो जाती है। और जब आपका शेयर सर खरीदते ही आपको रेड का दिखा देता है, आप उससे बोलते गलती हो गई मेरे से, तो गलती गुलती कुछ नहीं होती सर, हम रुकते नहीं हैं, बस इतनी सी बात है सर। आपके पास 100 रुपये, आपने 100 रुपये का कोई शेयर लिया सर, वो आपका प्रॉफिट थोड़ा सा 2-3 रुपये आया, तो समझ लो सर वो आपके पैसों को 102-103 रुपये पहुंचा रहा है। और अगर आपका लॉस सर 2-4 रुपये आया, तो समझ लो वो आपके पैसों को, जो 100 रुपये आपके पास है मान लो, तो वो आप उसको 98-96 पर पहुंचा रहा है। तो समझिए आपके जो पैसे कम हो जाते हैं, वो आपके लॉस लेने से हो जाते हैं। तो समझिए लॉस लेना थोड़ा कम कीजिए और मार्केट में धैर्य संयम से काम लीजिए। इतनी सी बात आपको बतानी थी। और बात करते हैं सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सर जो भी चीज़ सर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंडिया में हो रही है, वो बहुत ही काबिल तारीफ हो रही है, क्योंकि यहाँ का माल बाहर विदेशों में जाने के लिए तत्पर तैयार हो रहा है। लेकिन उसके अंदर एक संकट का विषय जो पैदा होता जा रहा है ना, वो जो कपास की कीमतें बढ़ रही हैं और कपास कम होता जा रहा है, रेट बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं जो कारोबारी होते हैं टेक्सटाइल से संबंधित, उनको बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। कहीं के पास तो सर फैक्ट्रियों में जो भी वो कपास से काम करते हैं, उसमें उन्हें शॉर्टेज नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं कि जो भी माल इंडिया में हमें मिल रहा है, वो 5-10% सर अमरीका से ज़्यादा मिल रहा है उनके वैल्यू से। तो उनका कहना है सर कारोबारियों का कि वो सरकार इसके अंदर जो कपास में शुल्क लगाती है, यानी कि कहीं से हमने आयात किया तो उसके अंदर वो कपास पे शुल्क लगता है, तो उनकी गुजारिश है कि सरकार उस शुल्क को मुक्त कर दे, माफ़ कर दे सर, ताकि वो ज़्यादा कपास मंगाकर ज़्यादा अपनी फैक्ट्रियों में काम करवा कर और ग्रोथ की तरफ बढ़ने को तैयार हो जाए। तो अभी इसके बारे में चर्चा हो रही है, इसके बारे में सरकार से वो बात करेंगे। तो ये कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं कपास कम हो रहा है और कहीं ना कहीं संकट के विषय जो हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सिर्फ कपास की वजह से पड़ते जाएंगे, क्योंकि उसके कारण ही सारी की सारी चीज़ें जो निकल कर आती रहती हैं। तो अगर इसमें शुल्क माफ़ हुआ तो इसके अंदर तेज़ी के संकेत आपको मिल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक कपड़े से संबंधित एक न्यूज़ है जो आपको बताना बहुत ज़रूरी थी सर। अलोक इंडस्ट्री का सर रिजल्ट सर 14 अप्रैल को आ रहा है और उम्मीद तो सर प्रॉफिट आने की है। अगर प्रॉफिट आया तो इस बार सर शेयर आपको 40 से ऊपर उछलता हुआ मिलेगा, क्योंकि सर काफ़ी उम्मीद लोगों ने टेक्सटाइल से संबंधित अलोक इंडस्ट्री पर लगा दी है, क्योंकि इनकी जो सेल होती है सर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और सेल इनकी सर 100-200 में नहीं होती, 2000 करोड़ रुपए में इनकी सेल होती रहती है, जो एक अच्छी चीज़ होती है। क्योंकि जब तक ये सेल नहीं होगी तब तक के कंपनी में ग्रोथ नहीं होगी, और जब तक के ग्रोथ नहीं होगी तो आगे जाकर शेयर प्राइस में कुछ भी इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। तो समझिए सर जो भी माल ये बाहर विदेशों में देते हैं, इनका पैसा जो बनता है ना वो डॉलरों में बनकर इनका आता है। अंबानी की कंपनी है, और मैंने आपको पहले कहा था कि अंबानी की कंपनी में आपको लॉस नहीं हो सकता अगर आपने इनकी कंपनियों में विशेष तौर पर अपने धैर्य को कायम रखा और टाइम अगर आपने इनको दिया, तो आप इसमें से अच्छा प्रॉफिट ले सकते हो। 14 अप्रैल तक का आपको इंतजार करना पड़ेगा, और लगता है सर शेयर आपको तेजी के संकेत दिखाने शुरू करने वाला है। तो अपनी क्षमता से, अपने विचारों से दिमाग लगाइए, और कॉटन की जो शॉर्टेज हो रही है उस पर भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। वैसे ही एक निगेटिव न्यूज़ है जो टेक्सटाइल के शेयरों में असर भी डाल सकती है सर। तो बात करते हैं सर अडानी पावर की। अडानी पावर ने आपको चर्चा का विषय बनकर दिखा दिया है, क्योंकि इसका जो शेयर आपको 200 से बहुत ऊपर आपको तेजी की रफ्तार के साथ मिलना शुरू हो गया है। और कई लोग अब सोच रहे हैं कि सर इसके अंदर संभावना कहीं गलत ना हो जाए और हम कहीं इसके अंदर फंस ना जाएं। देखो सर, जब शेयर बढ़ रहा था, जब नीचे था, तब तो हम देखते नहीं, और जब शेयर बिल्कुल टॉप पर पहुंच जाता है तब उसे हम ना खरीदने की चाह में लग जाते हैं, और फिर शेयर सर 2-3 लोअर सेकंड मार देता है
तो हम सोचते हैं कि भाई हम तो फंस गए। सर ऐसा कुछ नहीं है, जब भी शेयरों में काम अच्छा होता है, अगर काम के प्रति ये इतने ऊपर गया तो इसमें कोई फंसने वाली बात नहीं है। और आने वाला जमाना सर पावर का, आपको मैं इतनी सी बात एक बता, बाद में आपको बताने वाला हूँ सर। जून और जुलाई 2020 में जब कंपनी के बोर्ड और शेयर धारकों ने सर कंपनी की स्थिति जो खराब हो रही थी उसकी वजह से इसे डीलिस्ट करने की एक मन बनाया था, तो कंपनी का सर प्राइस, शेयर प्राइस उस टाइम 35 रुपये करीब था। ये खबरें आई थी और ये खबरें काफ़ी लोगों को डरा रही थी जब ये 35 रुपीज़ की तरफ था, और इसकी डीलिस्टिंग की जो खबरें आई थी ये काफ़ी लोगों को डरा रही थी और बता रही थी, संभावना जता रही थी कि भाई ये तो शेयर अब लगता है 10-5 रुपये में आने वाला है, कहीं डीलिस्ट ना हो जाए। ऐसी संभावना के साथ कई लोग इससे बाहर निकले, कई लोगों ने लॉस भी लिया होगा। लेकिन फिर कंपनी के जो प्रमोटर हैं उन्होंने दिमाग लगाया कि सर थर्मल पावर की तरफ दिमाग लगाया जाएगा और उसकी तरफ जो कोयले से बिजली बनती है उसके अंदर ही इन्हें संभावना तलाश करनी पड़ेगी। तो वो जो इनका दिमाग था कोयले पे इनसे बिजली बनाने का, वो काम कहा गया और कंपनी ने आपको ग्रोथ ही करके दिखाई। एक न्यूज़ निकल कर आ रही कि अडानी पावर को कोयले ने उभारा है, कोयले ने सहारा दिया, कोयले की वजह से ही शेयर आज चर्चा में बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको अडानी पावर में जिसके काम के प्रति अच्छे आपको टारगेट फिर भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि गौतम अडानी जी की अडानी ग्रीन एक कंपनी है ना, वो ना टॉप 10 कंपनियों में पहुंच गई है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है सर। तो कितनी बढ़िया न्यूज़ भी एक निकल कर ये भी आ रही है कि गौतम अडानी की एक कंपनी साथी है, यानी कि उनकी साथी है, उनकी कंपनी है सर, अपनी कंपनी उनकी है और अडानी ग्रीन भी कंपनी है, तो उनमें से एक कंपनी टॉप पर पहुंच जाती है तो ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत उनके सारे शेयरों में जरूर डालती है। इस दिशा से भी आपको देखना पड़ेगा। अडानी पावर में सर आपको गिरावटें भी और भी देखने को मिल सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी शेयर है सर कामयाबी की ओर है और कोयले ने इसको संभाला ही संभाला है, जिसकी वजह से ये डीलिस्टिंग होने से बच भी गया। तो एक पुरानी न्यूज़ थी, मैंने कहा आपको बता दूँ, लेकिन जो कोयले से उभरने वाली न्यूज़ आज ही निकल कर आई थी इसलिए मैंने आपको ये भी बता दिया है। तो अडानी पावर में भी आपको अपने अनुसार अच्छी सी नज़र रखनी पड़ेगी। और टेक्सटाइल में जो भी जो कपास महंगा होता जा रहा है उसकी वजह से आयात शुल्क अगर माफ होता है तो पॉजिटिव संकेत देखने को मिलेंगे। और आलोक इंडस्ट्री का रिजल्ट 14 अप्रैल को आ रहा है और अगर अच्छा आया तो बेटर इसके अंदर और टारगेट आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। सर मुझे सब्सक्राइब भले मत कीजिए लेकिन मेरे बातों को प्यार से सुनिए ही सुनिए।